तो ये बात तो सही है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में सनराइज़र हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत हुई, और जिस भिड़ंत में केकेआर ने एसआरएच को हरा दिया और जो खिताब था अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में एक और बात थी जो सबको याद रही, और वो थी एसआरएच की को ऑनर काव्या मरन का रोने वाला वीडियो जो इसके बाद वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जब टीम हार रही थी सनराइज़र हैदराबाद तो उसकी को ऑनर जो है काव्या मरन वो भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू नज़र आए, हालांकि उन्होंने अपने हाथ हिला करके टीम को गुड बाय विश किया। लेकिन क्या है काव्या मरन की कहानी, कौन है वो, उनका क्रिकेट से प्यार कैसा है और आईपीएल से उनका क्या संबंध है, चलिए थोड़ा बहुत इस पर हम लोग गौर करते हैं। काव्या मरन का जन्म 1991 में चेन्नई में हुआ था, वहीं से उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने अपनी शिक्षा चेन्नई की स्टेलर्स मैरिज कॉलेज से कॉमर्स में कंप्लीट की। उसके बाद 2018 में उन्हें सनराइज़र हैदराबाद का सीईओ नियुक्त किया गया। इसके अलावा उनका परिवार बिजनेस में बहुत ज़्यादा अव्वल है, काफ़ी नामी फैमिली है उनकी। उनके पिताजी कालानिधि मारन एक बड़े टीवी नेटवर्क के मालिक हैं और उनकी माँ भी काफ़ी बड़ी बिजनेस वूमेन है जिनका नाम कावेरी मोरान है और सोलर टीवी कम्युनिटी लिमिटेड की वो सीईओ हैं। काव्या मरन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क से एमबीए किया और फिर भारत लौट आई, अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हुई। 2019 में वो सन टीवी नेटवर्क के डायरेक्टर पैनल में शामिल हो गई। काव्या मरन का क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने आईपीएल की भी नीलामियों में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। आईपीएल 2024 की पहली नीलामी में उन्होंने सनराइज़र हैदराबाद के लिए पैट क्यूमिंस को 20.5 करोड़ में ख़रीदा था। अब अगर हम बात करें काव्या मरन के व्यक्तित्व की तो उनका तो वो एक एज ए बिजनेस वुमेन और क्रिकेट एंथुसिएस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। उनके परिवार में भी बिजनेस और पॉलिटिक्स का गहरा संबंध है, जैसे उनके दादाजी जो थे और जो उनके चाचा जी थे दोनों ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार काव्या मरन की नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ रुपए हैं जो उन्हें भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनाती है। ये सब बातें तो हमने सुनी थी लेकिन आईपीएल 2024 के फाइनल में उनका रोता हुआ वीडियो देख करके मन को छू गया। ये वीडियो उनके व्यक्तित्व और उनके जज्बात को एक नए प्रकाश में दिखाता है और उनका भावुक जो इमोशनल साइड है वो भी दिखाता है उनके फैंस को, और फैंस को भी उनसे और गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आईपीएल का उनका संबंध, उनका पैशन और उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि वो क्रिकेट को कितना प्यार करती है और अपनी टीम को कितना चाहती हैं। ये वीडियो उनके असली जज्बात को समझने के लिए एक मौका देता है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।